हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स का एक नया पार्ट। और आप सभी स्टूडेंट से बहुत ज़रूरी बात आपसे कह रहे हैं कि यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह की समस्या है, प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा है कि भाई वेव ऑप्टिक्स की खिचड़ी बन गई है, तो समझ लो कि आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको करना पड़ेगा, आपको पूरी वेव थ्योरी के लिए एक घंटे की एक वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा विश्वास के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपकी जो खिचड़ी बनी हुई ना वेव ऑप्टिक्स की, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, उस खिचड़ी को आप खा जाओगे, पेट में आराम से आपको सुकून देगी। ठीक है ना, तो बस इतनी ही बात कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो बस आराम से टेंशन फ्री होकर वीडियो को देखो, आपको सब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बस वीडियो की कंडीशन एक ही होगी, ऐसा नहीं कि भगा रहे हैं आपको, भगाएंगे नहीं, आराम से चलेंगे। वीडियो भले ही आपकी 30 मिनट की रह जाए, 40 मिनट की हो जाए, चाहे एक घंटे की हो जाए, है ना। कुछ स्टूडेंट कह भी देते हैं, बोला सर आपकी वीडियो लेंदी हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन विश्वास मानो लेंदी ज़रूर होगी, आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर लेंदी हो जाएंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में आपकी एकदम चमक आ जाएगी, तो टेंशन मत लो आप, है ना, एक ज़रा भी। ठीक, सुनो, तो अगर हम आपसे ऐसा बोलें कि भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो पुरानी बात जो हमने क्या कहा था कि कल हमने, दैट मीन्स प्रीवियस वीडियो में हमने वेव ऑप्टिक्स को पढ़ा था। वेव ऑप्टिक्स में वेव थ्योरी को पढ़ा था, हाइजेंस वेव थ्योरी को पढ़ा था। हाइजेंस ने क्या बताया था कि भाई लाइट जो है वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है। ठीक है, अब हाइजेंस ने काफ़ी सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें सही थी उसमें से। ठीक है ना, हाइजेंस की वेव थ्योरी भाई लाइट को स्टडी करने के लिए पहली डिटेल्ड थ्योरी थी और सक्सेसफुल भी रही वो एक हद तक। ठीक है ना, इसके बाद ऐसा हुआ कि भाई हाइजन ने अपनी वेव थ्योरी की डिटेल में एक नाम और दिया हुआ था, एक फेनोमेना का, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हाइजन ने इसको थ्योरेटिकली तो बता दिया था, दैट मीन्स ऑन पेपर तो उसको बता दिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको लैब में प्रूव करके नहीं दिखा पाया था। अब उनकी हो गई डेथ, है ना, क्योंकि देखो उन्होंने जैसे पूरा काम उस पर किया है ना, जब जैसे मान लो आप कई बार ऐसा होता है कि जब हम उस पर लगे हुए हैं कंटिन्यूसली लगे हुए हैं ना उसमें, ठीक है, तब आइडिया नहीं आता। आइडिया जब आता है जब आप उस काम में लगे हुए, आराम से फ्री माइंड में घूम रहे हो, टहल रहे हो, डांस कर रहे हो, खाना खा रहे हो, और खाना खाते में आपको आइडिया आ गया, बोला ऐसा है, तो आपके दिमाग की बत्ती जल गई, आपने उसको एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक है ना, तो आर्कर यंग उनके ही स्टूडेंट थे, या फिर ऐसा बोलें कि भाई उनके बाद उन्होंने काम किया, लेकिन उनके ही, दैट मीन्स हाइजन के प्रिंसिपल पे उन्होंने काम किया, अपना प्रिंसिपल नहीं। उन्होंने कहा कि भाई इन ये जो प्रिंसिपल है उनके दिमाग में ये बात फिट बैठी, के जो हाइजन ने बताया वो सही है। ठीक है ना, अब हाइजन ने बताया वो सही है, उनके दिमाग को भी ये चीज़ मतलब आप बोलोगे भाई उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अब उन्होंने इमेजिनेशन की, हाइजन ने दिमाग लगाया, और यंग एक्सपेरिमेंट आज हम करने वाले हैं, यंग ने दिमाग लगाया, यंग ने इमेजिनेशन की कि अगर ऐसा हो जाए तो जो हाइजन सर की बात है मैं उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा सकता हूं। ठीक है ना, और उन्होंने इसको प्रूव कर दिया है, इंटरफेरेंस पैटर्न को, सस्टेंड इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया उन्होंने, कैसा, सस्टेंड। आपको बुक में एक वर्ड मिलेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना, सस्टेंड मिल जाए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, लेकिन अभी हमने क्या बोला, सस्टेंड इंटरफेरेंस का, सस्टेंड का मतलब क्या है कि भाई इंटरफेरेंस हो रहा है और हमें दिखना चाहिए एक लॉन्गर टाइम तक, ऐसा नहीं कि बोले इंटरफेरेंस तो हो गया लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो हम उसको, वो फिर हमारे किसी मतलब का नहीं है। तो देखो यंग का जो एक्सपेरिमेंट था कि सस्टेंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको दिखाई देगा, एक फिक्स्ड पैटर्न, वो दुनिया के बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स में से एक है, समझ रहे हो, फिजिक्स के टॉप 10 टॉप 20 एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बोला इतनी क्या महानता है इसकी, समझ रहे हो ना, बताएंगे अभी आपको सारी बातें। ठीक है ना, पहले बात सुन रहे हो ना हमारी, बोले इतनी क्या महानता है इसकी, तो इसकी इतनी महानता यह है कि भाई लाइट जो दुनिया को दिखा देगी लेकिन खुद नहीं दिखेगी, तो कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है ना पढ़ने में, समझ रहे हो। अगर आप इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन पढ़ लो तो आपको उससे दुनिया भर की तमाम चीज़ें आपको जो है समझ में आए, बोला टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो रही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आती है ना। लेकिन लाइट एक ऐसी चीज़ है, आप उसको इमेजिन भी करोगे तो किसी की कुछ और निकल रही है, किसी की कुछ और निकल रही है। ठीक है ना, तभी तो इतनी सारी थ्योरी आई, बोला न्यूटन ने अलग दी, और जो है ना हाइजन ने अलग दी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी जो है मैक्सवेल ने अलग दी, इसके बाद जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ोगे उसमें अलग है, तो काफ़ी सारी बातें, समझ रहे हो ना। तो लाइट को स्टडी करना बहुत आसान नहीं था, है ना, और अभी भी नहीं है। तो लाइट बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो दुनिया को दिखाती है लेकिन उसको कोई नहीं देख पाता,
ठीक है ना, वो लाइट है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को वर्ल्ड के टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 एक्सपेरिमेंट्स में से एक रखा गया। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे भाई सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है ना, और ये कैसे बनता है, और सबसे ज़रूरी बात कि इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने का, और आज कॉन्सेप्चुअल या फिर ऐसा बोलेंगे भी थ्योरेटिकल है। तो आज हम उस पर फोकस करेंगे सेकंड वाला, दैट मीन्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए एक दूसरी वीडियो आपको मिल रही है, ठीक है, आप उसमें देखो, आपको सारी बातें उसमें भी क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो चलिए देखो, अगर हम आपसे से बोलें भाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको समझना अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, नोट करना है, नोट कर लो, ठीक है, कुछ है नहीं अभी, ठीक, ध्यान दो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आप जानते हो, देखो इंटरफेरेंस क्या होता है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास, पहले तो आप जानते हो, जैसे मान लो कि पानी है, पानी में अब आप खुद सोचो, जैसे मान लो इसमें पानी बना दें, बोर्ड खाली है तो फील नहीं आ रही अभी, है ना। ये मान लो ये आपने एक वेव बना दी, यहाँ पत्थर डाला, ठीक है, ये आपने एक, ये दूसरी वेव है, अच्छा आप ऐसा बोलें एक ही वेव है, ठीक है, और हमारे पास ये एक वेव है, फिर यहाँ पर इस वेव का ये ट्रफ है, ठीक है ना, फिर ये दूसरी वेव इसका क्रेस्ट, और फिर इस तरह से ट्रफ बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दो फ्रेंड्स, क्या होता है, चलो अब आपको पानी वाली एक अच्छी फीलिंग आ रही होगी ना, पानी वाला डांस, ठीक है, तो पानी वाला डांस कौन कर रहा है, वेव कर रही है, कौन कर रहा है, वेव कर रही है, ठीक है ना। देखो अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई ये एक वेव का क्रेस्ट है और ये एक वेव का ट्रफ है। क्रेस्ट मींस क्या, बोला उठा हुआ पार्ट, वेव जब पानी आगे बढ़ता है, बोला ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो जो ये वाला पोर्शन है आप जानते हो, देखो लेकिन डिस्कस करना होती है सारी बातें, ठीक है ना, तो ये नहीं बोला हम तो जानते हैं, ये आगे बढ़ो, ठीक है, तो ये क्रेस्ट, क्रेस्ट ये, क्रेस्ट ये ट्रफ, ठीक है। तो इंटरफेरेंस बोला दो टाइप के, कौन कौन से इंटरफेरेंस, दो टाइप के बोला, एक इंटरफेरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, और एक इंटरफेरेंस होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि भाई जैसे मान लो दो वेव हैं आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं, एक दूसरे को आप ऐसा कह सकते हो भाई एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक है ना। अब दो कंडीशन बनती है, जैसे मान लो कि कोई भी वेव है ऐसे इस तरह से प्रोपेगेट हो रही है, ऐसे ऐसे प्रोपेगेट हो रही है, ये वेव ऐसे थी, ये वेव वैसे है, ठीक है, ये वेव वैसे थी, ठीक है ना। अब मान लो कि एट द सेम टाइम कोई दूसरी वेव आए, और दूसरी वेव इस तरह से आए कि जैसे मान लो ये पहली वेव है और ये एक दूसरी वेव, ये इस तरह से आए, ठीक है ना, और ये मान लो कि ये इस तरह से आए, वेव छोटी हो बड़ी उससे मतलब नहीं है, दोनों का फेस सेम होना चाहिए, दैट मीन्स दोनों का जो क्रेस्ट है क्रेस्ट से मिलना चाहिए, क्रेस्ट से, और दोनों का ट्रफ है वो ट्रफ से मिलना चाहिए, ट्रफ से ट्रफ। तो जब क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिलता है, दैट मीन्स व्हेन टू वेव्स आर इन सेम फेस, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो नई वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी इससे बढ़ जाती है, दैट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड भी बड़ा हो जाता है, दैट मीन्स ये पानी की एक वेव थी, एट द सेम टाइम ये दूसरी वेव नीचे से आ जाए तो ये दोनों मिलकर के एक नई वेव बना देगी, जो कि इससे दोनों उसके एम्पलीट्यूड से बड़ी होगी और ऊपर की साइड होगी। तो हमने क्या बोला कि भाई ये एक नई वेव है, ये ऐसे बन गई, ये न्यू वेव है, क्या है, न्यू वेव, जिसका एम्पलीट्यूड इससे ज़्यादा है इन दोनों से, और इसकी इंटेंसिटी भी इन दोनों से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका ट्रफ भी और नीचे पहुंच जाएगा, ये न्यू वेव है, कौन सी है, ये न्यू वेव है, ठीक है ना, क्लियर हो पा रही बात आपकी, ठीक। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई इन दोनों ने मिलकर के एक तीसरी वेव का कंस्ट्रक्शन कर दिया, जो कि इनसे अच्छी थी, इनसे बड़ी थी, इनसे इनकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इनसे ज़्यादा था, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी कंडीशन बनती है, बोला जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाश हो जाना, समझ रहे हो ना, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक नई वेव कंस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अब आप समझते हो कि मान लो कि एक ये वेव है, ठीक है, अब एक दूसरी वेव कुछ इस तरह से आ जाए, ठीक है, इस तरह से आ जाए कि भाई इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ एग्जैक्ट मीट कर जाए, इसका क्रेस्ट और उसका ट्रफ मीट कर जाए, तो जो पानी यहां पर होगा, जो पार्टिकल यहां पर होगा, ये इसको ये ऊपर ले जाने की कोशिश, ये नीचे ले जाने की कोशिश, अगर इन दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम है, इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये पानी, ये पार्टिकल ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ये जो वेव है ना इसका अब कुछ नहीं होने वाला,
समझ रहे हो, इसका विनाश हो गया, दैट मीन्स इसका डिस्ट्रक्शन हो गया, और इस वेव वेव को हम बोलेंगे या फिर इस इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना, ध्यान देना। तो पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता क्या है, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है ना। तो जरूरी बात कि जब दो वेव्स, जब दो वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, सुनो, जिनकी वेव फ्रिक्वेंसी सेम है तो हमेशा इस तरह का इंटरफेरेंस होता रहेगा। अब फ्रिक्वेंसी वाली क्या बात बताने वाले थे हम आपको, आगे बताएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर जरूरी क्या है, यहाँ पर जरूरी है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्रेस्ट से क्रेस्ट क्रेस्ट मीट करना चाहिए। बोला कब करेगा? जब दोनों वेव सेम फेस में होगी। दोनों वेव सेम फेस का मतलब क्या है कि भाई इसका पाई बाई टू और नई वाली वेव का भी पाई बाई टू यदि आता है यहां पर, तो ये पूरी तरह से अपना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बाकी फिर ये अपना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे मान लो पाई बाई टू, इसका पाई बाई टू जो है ना यहां पर है, इसको हमने बोला फेस, और इसका पाई बाई टू जो है यहां पर है, इसको हमने बोल दिया फेस, फिर कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये अपना प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो अब आप इसको समझ गए, ठीक ठीक है ना। चलिए, अगर छोटा बोड़ा इधर उधर होता ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती इससे, इतनी ज़्यादा महान प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लेकिन अगर ये फेस डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तो फिर इससे प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब देखो कि इसको लाइट के फॉर्म में हम किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए पहले हम इसको हटाएं, और आर्कर ने क्या बात कही, दैट मीन्स यंग ने क्या बात कही, उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दो बातें याद रखो आप, और आपको सारी बातें, डायग्राम कैसे बनाना है, कि डेरिवेशन कैसे करना है, सब कुछ बहुत सिंपल स्वीट और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा, तो आपको टेंशन मत लेना है ना बस। अच्छा, बार बार हम जो कहते हैं ना आपसे कि टेंशन मत लो, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। बोला क्या कि अगर आप खुद सोचो ना कि आपने डिसाइड कर लिया कि चलो ये तो समझ में आने वाला है, तो समझ लो कि आपका मन हल्का हो गया है ना। और अगर मान लो कि आप टेंशन लेते लेते कर रहे हो ना, बोलो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर क्या होता है, बोले समझ लो कि आप जितना भी पढ़ने वाले थे, एक तो उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ क्या है, फिर वो समझ में आएगा ही नहीं आपको, ठीक है ना। तो आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ो, इतना तो हम आपको बता इतना तो हम आपसे कह सकते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो को इसको देखोगे ना, तो फिर चांस बनता ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमें केवल टारगेट करना होता व्यूज को, तो छोटी वीडियो बना देना, बड़ी क्यों बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दो यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई उसका एपरेटस कैसा है, दैट मीन्स का पूरा जो अरेंजमेंट था वो कैसा था, है ना। तो इनका अरेंजमेंट कुछ उस तरह का था, जैसे मान लो कि कोई भी एक ओपेक सब्सटेंस, या फिर आप ऐसा बोलें कि भाई ये कोई भी एक ओपेक वॉल टाइप होनी चाहिए, है ना। इस वॉल में आप ऐसा बोलो, तो ये वॉल किसकी हो सकती है, घर की दीवार बोल सकते हो आप, है ना। या फिर आप ऐसा बोलो कि भाई कार्डबोर्ड, है ना, कार्डबोर्ड हम समझते हैं पुट्ठा, ठीक है ना। इसमें हमने दो होल किए, दो होल पिन से कर सकते हैं हम, पिन से, क्योंकि वो जो उनके द्वारा किए गए होल ऐसे नहीं थे कि उन्होंने जो है ना एक कील लेके करके उसमें कर दी, समझ रहे हो। तो हमने जो है ना उन्होंने पिन से दो होल कर दिए, ठीक है, दैट मीन्स ये 1 mm 2 mm करीब होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उनकी स्क्रीन थी जिस पर ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, दैट मीन इंटरफेरेंस का जो पैटर्न होगा वो देखने में आएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस का पैटर्न कैसा होगा आपको समझ में आएगा अभी, ठीक। तो सुनो, तो सबसे पहले ज़रूरी था कि लाइट कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, तो उन्होंने दो होल बनाए। दो होल मतलब दो आप बल्ब ले सकते हो, ठीक है ना। बोला दो बल्ब यहाँ पर फिट कर दो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, देखो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, दैट मीन जो हमें इंटरफेरेंस का जो पैटर्न मिलेगा, वो उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, है ना, कुछ कंडीशंस होती हैं कंडीशंस, और कंडीशंस में से भी आप ये समझ लें कि बस एक कंडीशन यदि हमारे फॉलो हो जाए तो बाकी सारी हम कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, कोहेरेंट कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो हमारे जो लाइट सोर्स हों, जो दो बल्ब हम यहाँ पे लगाएं, वो हमारे कोहेरेंट होने चाहिए। पूरी बात को सुनना पहले, किसी कंक्लूजन पे ना आना, ठीक है ना। तो जो हमारे टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होने चाहिए। अब ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, इसको ढंग से समझना। देखो हमने क्या माना कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास एक दो कोहेरेंट सोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास दो सोर्सेज ऐसे हों, दो सोर्सेज ऐसे हों जो कि दो वेव निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास दो सोर्सेज ऐसे हैं कि भाई जिनकी जो वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए। जिनकी दिमाग में फ्रीक्वेंसी की इमेज नहीं बन रही है, अभी बन पाते हैं आपको, है ना।
क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए दोनों वेव की जो कि दो अलग अलग सोर्स से निकल रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव शुड बी सेम। अच्छा, पहली बात, अगर इसमें फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ हुई ना तो किसी भी तरह से हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें देखने में नहीं आएगा, नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो हमारी जो वेव आगे प्रोपेगेट कर रही हैं, इनके बीच में सारी बातें समझाएंगे, टेंशन मत लो, इनके बीच में फेस डिफरेंस जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जो दोनों के फेस का अंतर है वो जीरो होना चाहिए। इसी को हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि दोनों का फेस सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, तीसरी बात ये भी आप इससे कह सकते हो, इसी से जुड़ी हुई है कि यदि आपका फेस डिफरेंस जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो फेस जो है ना, फेस कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फेस डिफरेंस जो है ना कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें एक छोटी सी कड़ी है। फेस डिफरेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, कौन यहां है, ऐसा हो जाए कि भाई इसका पाई बाई टू यहां आ गया, ठीक है, इसका पाई बाई टू कहां आ गया, यहां आ गया, और इसका पाई बाई टू कहां है, यहां है, समझ रहे हो, ये अंतर आ गया। अब ये जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है, इसके साथ साथ बोला ये इतना छोटा सा फेस डिफरेंस यदि आ भी रहा है ना तो चल जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि बोलो पहले यहां पे जैसे मान लो रेस चल रही है, अभी आप उससे एक कदम आगे हो, ठीक है, अब आप उससे एक कदम आगे हो और दोनों साथ साथ में दौड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन मान लो कि अभी आप उससे एक कदम आगे हो, ठीक है, हमने चलो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बढ़ते 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 आप उससे 10 कदम आगे हो गए, ये नहीं चलेगा। तो उनने क्या बोला, यदि फेस डिफरेंस हो भी तो कांस्टेंट हो, तो आप समझ लेंगे। अच्छा देखो, क्लियर है ना इतनी बात, फेस डिफरेंस हमारा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब इस तरह के जो सोर्स है, हम इन सोर्सेस को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। लेकिन प्रकृति नेचर बहुत महान है, उसने कहा कि भाई मैं इस दुनिया के अंदर कोई भी दो सोर्सेस कोहेरेंट नहीं बनाऊंगी, ठीक है ना, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि मान लो कि ऐसा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे दुनिया में, जैसे मान लो दुनिया छोड़ो, आप अगर ऐसा बोलो कि भाई आप हमने कोई भी दो डिवाइस, जैसे मान लो कोई सैमसंग का एक फ़ोन है और दूसरा फ़ोन सैमसंग का फ़ोन है, दोनों सेम मॉडल हैं, दोनों सब कुछ सेम है, ठीक है ना, दोनों की फ्लैश हमने ऑन की, दोनों की टॉर्च हमने ऑन की, दोनों की पावरफुल थी, समझ रहे हो, दोनों मतलब सेम कंडीशन में सारी चीज़ें, ठीक है, फिर भी हम देखेंगे दोनों की फ्रिक्वेंसी जो है ना लाइट की सेम नहीं होगी। कैसे, फ्रिक्वेंसी लाइट की सेम नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, चाहे भले ही बोले दोनों सेम कंपनी बनाना है, भले ही पॉइंट के बाद 10 जीरो लग जाए और फिर बनाए, दैट मीन्स भले ही 0.00000001 का डिफरेंस आए, लेकिन फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस आएगा जरूर, ठीक है, और वो डिफरेंस जो है ना एक बड़ा आप कहोगे कि भाई बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, और हम बोलेंगे हमारे जो लाइट के सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात, सॉरी कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है ना, ठीक, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी सेम, फेस डिफरेंस जीरो, या फिर फेस सेम होना चाहिए, ठीक है। और ये अब देखो, इन फैक्ट्स, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है, ताकि एक क्लियर इमेज आपके दिमाग में बन जाए। देखो, जिन लोगों के दिमाग में इमेजिन नहीं हो पाता कि भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, तो कई बार समझते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें आप जानते हो। देखो, मान लो अगर ये लाइट इस तरह से, ये लाइट वेव इस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, तो एक सेकंड में इसने कितनी साइकिल पूरी कर ली, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी कर ली, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। दूसरी वेव भी ऐसी होनी चाहिए, जैसे मान लो एक सेकंड में इसने 6 साइकिल पूरी की या 7 कर ली, तो दूसरी वेव भी ऐसी होनी चाहिए कि ये भी एक सेकंड में 6 या 7 साइकिल पूरी करे, ठीक है ना, जैसे मान लो जितनी इसने की उतनी इसको करनी चाहिए, क्लियर है, और दोनों का फेस सेम होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ गया तो हमने आपको वो सारी बातें बता दी। डिफरेंस, अच्छा फेस का मतलब क्या, फेस समझते हो ना, मान लो कि अगर ये पाई बाई टू पर है तो ये भी पाई बाई टू पर होगा, तो बहुत सुंदर होगा, ठीक है ना, समझ गए बात को। चलिए, अब देखो, तो उन्होंने क्या किया कि भाई जब इस दुनिया के अंदर, जब जैसे ऐसा मान लें कि भाई जब हमें किसी तरह के दो कोहेरेंट सोर्स मिल ही नहीं रहे तो क्या करें, तो बोला अगर एक पेरेंट सोर्स है उससे निकलने वाली वेव को अगर हम दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो इसी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी इस साइड वाली लाइट वेव की होगी, वही फ्रीक्वेंसी इस साइड वाली लाइट वेव की। दैट मीन्स हमने ये जो सोर्स है हमारे पास, मान लो कैंडल जल रही है, दिया जल रहा है, कुछ भी जल रहा है, अब इसी तरह की हमने क्या किया, इसी दिए की लाइट जो है ना इस साइड जा रही है, ठीक है, हमने क्या किया, ये लाइट वेव जो निकल रही है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट मीन्स ये यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, तो अगर इनका पेरेंट सेम है ना तो इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और इनके फेस भी सेम होंगे, ठीक है ना। तो देखो, ऐसा किया गया कि यहाँ पर जो है, मान लो कि इनके बीचों बीच से ये ऐसे, इनके बीचों बीच से ऐसे ले लो आप, ठीक है, ये जो गैप है ना, ये गैप बहुत कम है, कितना, बहुत कम,
वो उसके बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक, तो ऐसा मान लो कि यहाँ पर जो है ना, हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया। क्या है ये सोर्स ऑफ लाइट, जिसको हमने बोला कि ये S1 है, क्या है, सॉरी S, क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। अब देखो हाइजन ने क्या माना था, भाई लाइट क्या है, वेव, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, सेकेंडरी वेवलेट का प्रिंसिपल भी यहाँ चलेगा, ठीक है। तो देखो अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो वेव है वो इस तरह से बनी, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर चीज़ें बदल जाए, यहाँ पे देखो पहले डायग्राम आपको बड़ा सा समझाते हैं, इसके बाद जो डेरिवेशन में जो डायग्राम बनाना है उसको बताते हैं, ठीक है ना। देखो ये लाइट वेव ऐसे आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे एक लाइट वेव ऐसे, एक लाइट वेव ये जो पूरी बन रही थी ना वो ये है, ठीक है। ध्यान देना इस मेन वाली पे, इस वाली पे मेन फोकस करना, इस पे, ठीक है ना, इस पे मेन फोकस करना, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो होता क्या है, अब ऐसा होता है कि मान लो ये लाइट आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, ठीक है ना। क्या हुआ, जब ये हमारे पास, ये कार्डबोर्ड जब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, तो अब कंडीशन क्या होगी, ये कार्डबोर्ड आ गया तो लाइट आएगी, दैट मीन्स लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी, लाइट वेव के फॉर्म में आएगी। अब यहाँ था एक होल, ठीक है ना, तो बाकी सारी जो लाइट वेव है वो बाहर ही रह गई, इस मीडियम ने, दैट मीन्स ये जो कार्डबोर्ड है उससे कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और जो है ना बाकी अब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ, ऐसा ही कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ, ठीक है। बाकी सारी जो लाइट थी वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, बाकी जो है ना अंदर चले गया, अंदर के लिए ये वाला होल। अब ये क्या है यहाँ पर, ये डिस्टर्बेंस है, क्या है, डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब ये लाइट जो है यहाँ से अंदर जाएगी तो यहाँ पर एक नया सोर्स बनाएगी, क्या बनेगी, एक नया सोर्स, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सोर्स, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सोर्स। इन होल्स को हमने नाम दे दिया, या फिर हम ऐसा बोलें कि भाई ये S1, ये S2, ये एक सोर्स है। अब ये दोनों जो होल्स होंगे ये क्या करेंगे, ये एक नए सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, किसकी तरह, एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वेवलेट बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा डायग्राम आपको बड़ा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको, आप इसको आराम से समझना, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमारे डायग्राम में थोड़ी बहुत जो है ना मेजरमेंट वाली कमी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा अज्यूम कर लेंगे, मान लो कि ये हमारी क्रस्ट बनी, ये पहली वेव बनी यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद ये ट्रफ बना, क्या बना, ट्रफ, ये क्रस्ट बनी, ये ट्रफ बना, ठीक है ना। अब देखो कलर चेंज करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना समझ में आ जाए, ठीक है ना, और कोशिश नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये येलो कलर, अगर कैमरे में आपको येलो कलर डिफरेंशिएट हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरी वाले की, ये इसका क्या है भाई, इसका ट्रफ है, ठीक है ना, ये इसका क्रेस्ट है, ठीक है, ये इसका ट्रफ है, ठीक है, ये इसका क्रेस्ट है। आपको काफी बड़ा बनाना है ताकि आपको सारी बातें समझ में आए, ठीक है। चलिए ठीक है ना, देखो अब देखो ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, देखो एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स आप डेरिवेशन में ये डायग्राम नहीं बनाओगे, लेकिन जिस चीज़ को समझने के लिए डायग्राम ज़रूर बनाओगे आप, है ना। अगर ये डायग्राम नहीं बनाओगे तो देखो वही वही बात है ना कि सिंपल रट्टा मारते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। देखो तो ज़रूरी बात क्या है, ज़रूरी बात यह है कि पहले आप चीज़ों को समझें कि यहाँ पर देखो अब ये हमने क्या बना लिया, भाई इन दोनों सेकेंडरी ये जो सोर्स हैं, यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से वेव फ्रंट निकलना स्टार्ट हुई। पहले वाले की वेव फ्रंट को हमने बनाया, पहले वाले की वेव फ्रंट को हमने बनाया किस कलर से, बोला वाइट कलर से, S1। दूसरे वाले की वेव फ्रंट को हमने बनाया S2, दैट मींस येलो कलर से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना, आप आपको देखना है कि भाई जहाँ पर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा ना वहाँ पर क्या होगा, चलो आपने कंस्ट्रक्टिव हो गया, और जहाँ पर ट्रफ से ट्रफ भी मिला वहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव हो गया। तो अब यहाँ पर बस नोटिस करना है हमें, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, जैसे कि यहाँ पे देखो ये आपका ट्रफ से ट्रफ से ट्रफ, तो आपने इसको क्रॉस लगा दिया और देखा कि ये ब्राइट है, ठीक है ना। ये देखो ये आपका क्रेस्ट से क्रेस्ट, ये आपका क्रेस्ट से क्रेस्ट, यहाँ पे देखोगे आपका ट्रफ से ट्रफ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रफ से ट्रफ, और ये देखो ये ट्रफ से ट्रफ, ये ट्रफ से ट्रफ, ये देखो ये क्रेस्ट से, ये इसका क्रेस्ट है येलो, और ये इसका क्रेस्ट है ये इस तरह से। तो आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, हाँ देखो अगर आप यहाँ से एक लाइन डालोगे इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से एक लाइन डालोगे
तो आपको कुछ उस तरह का देखने में नजर आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो जाता है, ठीक है ना, अपने डायग्राम बनाने में। तो ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पैच दिखाई देगा, ये जो आपको स्पॉट दिखाई देगा, ये आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला स्पॉट दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो लाइट वेव्स होंगी वो सबसे ज्यादा ये वाला जो स्पॉट होगा एकदम ब्राइट होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे देखो कि आप देखना कि क्रेस्ट और ट्रफ कहाँ मिल रहे हैं, दैट मीन्स डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ये इसका क्रेस्ट और ये इसका ट्रफ, ये इसको बनाओ इस तरह से। अब देखो यहाँ पर देखो इसका क्रेस्ट येलो और इसका ट्रफ ये ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पर देखो और आगे बढ़ोगे तो इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और इसका क्रेस्ट ये इसका ट्रफ ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और इन सबको मिला दो, इन सभी पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो आपको यहाँ पे कैसा स्पॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको स्पॉट देखने को मिलेगा डार्क स्पॉट, कैसा, डिस्ट्रक्शन हो गया और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया, और ये स्पॉट आपको देखने को मिलेगा ब्राइट स्पॉट, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इस तरह से आप अभी सारे पॉइंट्स को मिलाओगे ना, तो एक बार आपको ब्राइट मिलेगा और एक बार आपको डार्क मिलेगा, एक बार आपको ब्राइट मिलेगा और एक बार आपको डार्क मिलेगा, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट और एक डार्क, ठीक है। अब ये पैचेस ये स्पॉट्स देखने में कैसे नजर आते हैं कि भाई ब्राइट किस तरह से दिखेगा और डार्क किस तरह दिखेगा, जहां पे डार्कनेस होगी ना उसको हम बोलेंगे मिनिमा, क्या बोलेंगे, मिनिमा, और जहां पे ब्राइटनेस होगी हम उसको बोलेंगे मैक्सिमा, क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। तो देखो कंडीशन ये है कि अब आपको समझना है कि भाई किस तरह से हम इसको डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना, किस तरह डेरिवेशन करेंगे और देखने में कैसा नजर आएगा। तो देखने में आप इसको ऐसे देखें कि यहां पर ऐसे मान लो कैसा कह सकते हैं कि ये आपका जो पॉइंट है ना, ये इसको हम बोलते हैं, जैसे मान लो कि अगर आपको ब्राइट पैच, पैच धब्बा होता है ना, पैच का होता है धब्बा, ब्राइट स्पॉट, ब्राइट जगह जहां पे आपको दिखेगी वो आपको धारी के जैसे दिखेंगे, जैसे धाराएं होती हैं, ठीक है ना। तो उसका आप बोलेंगे कि भाई इन धाराओं का बोलते हैं फ्रिंज, क्या बोलते हैं, फ्रिंज, FRINDGE, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है, जैसे मान लो ये आपका फ्रिंज है, ठीक है, और ये आपकी अगली पट्टी जो आपको दिखेगी, ये अगली पट्टी जो आपको दिखेगी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है, चलिए ठीक। और वो फ्रिंज जो स्क्रीन के सेंटर में होगी, दैट मींस वो फ्रिंज जो यहां पर होगी, हम इसको बोलेंगे कि ये भाई ब्राइट फ्रिंज है, सॉरी ये कैसी है, ये सेंट्रल फ्रिंज है, कैसी है, सेंट्रल फ्रिंज है। अब ये सेंट्रल फ्रिंज हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है सेंट्रल ब्राइट और एक सेंट्रल डार्क फ्रिंज, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर चीज़ों को समझना, अब यहाँ पर चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा एक बात, जैसे कि आपको बताएं कि भाई जैसे कि प्रिज्म, जैसे आपने प्रिज्म देखा होगा और काफ़ी सारी इमेजेस वगैरह ज़रूर देखी होंगी, प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होता है, बात को समझ पा रहे हो, जब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है उसमें काफ़ी सारे कलर्स जाते हुए दिखते हैं, क्या होता है, काफ़ी सारे कलर्स उसमें से निकलते हुए दिखते हैं। जब आपको काफ़ी सारे कलर्स उसमें से निकलते हुए दिखते हैं तो आप एक बात बताइए, क्या आप एकदम परफेक्ट रेड को पहचान पाओगे, नहीं, आपको रेड अलग नहीं दिखता उसमें सारे कलर होते हैं, दैट मीन्स रेड, रेड के बाद आप देखो रेड धीरे धीरे कम रेड हो गया, कम रेड हो गया, और ये ऑरेंज हो गया, ऑरेंज धीरे 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 हो गया, और क्या होता है ना, फिर ये धीरे धीरे ऑरेंज धीरे धीरे येलो में बदल गया, येलो धीरे 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 जैसे आपका हाइलाइटर कलर होता है ना, उसमें लाइट ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन से धीरे 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 पूरा ग्रीन हो गया, पूरे ग्रीन से बदलता है। तो मतलब जिस तरह से आप प्रिज्म में देखते हो कि आपको एकदम कोई परफेक्ट रेड पॉइंट नहीं मिलेगा, परफेक्ट येलो नहीं मिलेगा, परफेक्ट ऑरेंज नहीं मिलेगा, आपको सारे उसमें मिले जुले मिलेंगे, दैट मीन्स समझ पा रहे हो ना, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारा परफेक्ट येलो है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो फ्रिंजेस आपको मिलती हैं, ये फ्रिंजेस पूरी तरह से ब्राइट नहीं होती, ये फ्रिंजेस पूरी ब्राइट नहीं होती कि ये एकदम यहां से लेकर यहां तक चमकीली, नहीं, ये इसके सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइट होती है, इसके सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइट होती है, और धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होगी और ये डार्क हो जाएगी, ठीक है ना, और ये कम ब्राइट हो गई और यहाँ पे एकदम अंधेरा हो गया, और यहाँ पर एक इंटेंसिटी एकदम जीरो, और यहाँ पर एक नई वेव फॉर्म, यहाँ पर एक नया पैच फॉर्म हुआ जो कि यहाँ पे कम ब्राइटनेस कम ज़्यादा और फिर कम होती चली जाएगी, दैट मीन्स आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे ब्राइटनेस मैक्सिमम, ये ब्राइटनेस कम हुई और ये ब्राइटनेस यहाँ पर आकर के जीरो हो गई, ये जीरो 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 और ये बढ़ गई, और इस तरह से ये होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी लाइट का इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो गया, बोले लाइट सब जगह फैल गई, बोले डिस्ट्रीब्यूशन,
रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है कि एक पॉइंट की लाइट उठा करके दूसरे पॉइंट पर रख दो, मतलब इसको खाली कर दो। ये जो है ना, इसका खाना भी इसको खिला दिया, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी जीरो हो गई। क्या आप समझ पाए? क्या समझ रहे हो ना, ये कैसे हो रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, है ना। इसकी एनर्जी भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि ध्यान से देखना कि दो ब्राइट जो अपने होते हैं, दो ब्राइट जैसे मान लो, ठीक है, कि ये हमारी एक ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, और ये हमारी एक ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। जो बीच में हम जहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहे हैं ना, वहाँ पे डार्क स्पॉट अपन को देखने में नजर आएगा। क्या आएगा? डार्क स्पॉट देखने में नजर आएगा, ठीक है। देखो, तो ये हमारा ये सेंटर है, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट होगी। देखो, दो ब्राइट पैचेस के बीच में, दो ब्राइट स्पॉट के बीच में जो डिस्टेंस होगी ना, हम इसको बोलेंगे कि ये है विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। क्या बोलेंगे इसको? विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है ना। यहां पे देखो, देखो दो डार्क के बीच की जो गैप है ना, वो इतना नहीं होता कि भाई मान लो आपको इतना दिख जाएगा वो, ये बाकी का खाली छूट गया, नहीं, ठीक है ना। ये छोटा छोटा, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि भाई ये है आपका ब्राइट, कैसा है ये? विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इस डिस्टेंस को, इस हाइट को, इसको क्या बोलेंगे? विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। चलिए, तो आप ऐसा कह सकते हो, मान लो आपको, देखो सारी बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। डेरिवेशन तो उसका 2 मिनट में हो जाएगा, हालांकि टाइम लगेगा उसमें भी, ठीक है ना, लेकिन आपको बातें सारी समझनी पड़ेंगी। देखो, मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि दो डार्क फ्रिंज जो है ना, उन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे? विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलेंगे? ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, छोटा सा एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहले आप इस चीज़ को समझना, और आपको पहले बता दें कि हमें डेरिवेशन किस चीज़ के लिए करना है। हमें यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है ना, इसमें जो हमारी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो बनी, उसकी विड्थ कितनी होगी, इसके लिए हमें डेरिवेशन करना है। जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होने वाला है वही होने वाला है, ठीक है। तो देखो, हमें क्या निकालना है? विड्थ वगैरह। अब इसके लिए कुछ बातों को समझना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपको ये बताएं कि इसमें जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो बनेंगे, क्या इसमें जो डार्क और ब्राइट फ्रिंज जो बनेगी, उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? उसकी इंटेंसिटी कम, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होगा जितनी ब्राइट फ्रिंज ये बनी है उतनी ही ब्राइट फ्रिंज यहाँ से जो है ना, थोड़ी डिस्टेंस पे देखेंगे तो उतनी ब्राइट थोड़ी ना होगी। धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब ये इंटेंसिटी कितनी होगी, ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर। किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे, ठीक है ना, कि पाथ डिफरेंस कितना है। अब ये पाथ डिफरेंस क्या है, तो आप देखो, इसको आपको बताएं। देखो, सिंपल सी बात है, हम आपसे ऐसा बोलें कि यहाँ पर अगर ये अपना ये सोर्स है, मेन सोर्स, यहाँ से लाइट निकली यहाँ पर आई, ठीक है। अब ये सोर्स क्या होगा, यहाँ पे दो लाइट चली गई, ये कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, ये दोनों लाइट पे, ठीक है। ये यहाँ पर ये S1, ये S2, ठीक है। यहाँ से लाइट यहाँ भी जा रही है, और यहाँ से यहाँ भी जा रही है, ठीक है। हमने कोई एक पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया, क्या कर लिया, यहाँ पर एक पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर जब दो लाइटें मीट कर रही होंगी तो इंटरफेरेंस हो रहा होगा, या और यहाँ पर भी कोई ब्राइट और डार्क इमेज, मतलब जो है आपकी फ्रिंज बन रही होगी, ठीक है। तो देखो, हमने इसको नाम क्या दिया, बोला S1P, इसको नाम दिया हमने S2P, ठीक है। हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली, हमने कहा कि भाई ये जो है ना, ये डी है, कितना है, S1 से लेके S2 तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी, ठीक है। तो आप खुद देखो कि भाई अगर ये डी है तो इसका जो हाफ होगा, इसका जो हाफ है वो कितना है, इसका हाफ है D/2। हाफ की जरूरत क्यों पड़ी, हाफ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये इसका सेंटर है, क्या है इसका सेंटर, वो मान लो उसको, ठीक है। तो अगर हमने इस पॉइंट को नाम दिया P, ये हो गया Q, और ये पॉइंट हो गया आपका R, ठीक है। ये डिस्टेंस भी कितनी है, ये डिस्टेंस भी आपकी D/2, ठीक है ना। अब देखो, इस O से लेके इस P तक की जो डिस्टेंस है, O से लेके ये जो पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी X, कितनी है, X, ठीक है ना, याद रखना। तो OP कितनी है, X, चलो उसको पीछे बना देते हैं, एक काम करते हैं, और ठीक है ना, और ये कितनी है, ये है आपकी D/2,
क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो हमें कुछ नहीं करना, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो याद रखना S1P और S2P, दैट मीन्स यहाँ से जो P तक पहुंचेगी, दैट मीन्स यहाँ से जो वेव पहुंचेगी उसका पाथ, उसका रास्ता क्या है, ये है, यहाँ से जो वेव यहाँ पे पहुंचेगी उसका रास्ता क्या है, मतलब S2P, तो S2P माइनस S1P अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, दोनों के वेव में, दैट मींस दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस आया, ये क्या है, पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करने वाली है ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, क्लियर है इतनी बात? उसके बाद जो है ना हमें एक पूरा पैटर्न नहीं मिलेगा और हमें पूरा पॉइंट ब्राइट दिखाई देगा, ठीक है ना, जैसा कि नॉर्मल हम अभी आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, S2P माइनस S1P, ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है, ध्यान दो। इसके बाद देखिए अब कंडीशन क्या होती है, बोला S2P और S1P किस तरह से फाइंड किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, इसको हमने नाम दिया, ये इतनी डिस्टेंस है D, कितनी है D, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, PGT लगाएंगे, क्या लगाएंगे, PGT, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें, बोला इस वाले में, तो देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में लगाओगे S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1Q का होल स्क्वायर प्लस आपका जो है ना आपका PQ का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अगर आप इसको करते हो तो S1P स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा S1Q कितना है S1Q, तो ये आपका D स्क्वायर प्लस आपका PQ कितना है, PQ है आपका X माइनस D का होल स्क्वायर, कितना है X माइनस D का, अच्छा X माइनस PQ X माइनस D बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ओपन करने से आपको मिलता है D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस ये डी स्क्वायर बाय 4 और ये माइनस का 2xd बाय 2, दैट मीन्स xd, ठीक है ना, ये आपका S1P का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसी तरह से आप सिमिलरली अगर आप निकालते हो आपका जो है ना, हाँ सिमिलरली आप ऐसे लिख दें, सिमिलरली आप S2P का होल स्क्वायर फाइंड आउट करते हो, S2P होल स्क्वायर ऑफ S2P, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो S2, तो यहाँ पे देखो S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2R होल स्क्वायर प्लस आपका जो है ना PR का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मिलेगा S2P का होल स्क्वायर आपको चाहिए, चलिए तो यहाँ पर इज इक्वल टू S2R कितना है X प्लस D बाई 2 S2R कितना है मतलब D कैपिटल D का होल स्क्वायर प्लस PR देख पा रहे हो कितना है मतलब X प्लस D बाई 2 का होल स्क्वायर है ना small D बाई 2 का होल स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा S2P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 प्लस 2xD बाय 2, दैट मीन्स ये, ठीक है ना, अब क्या करें, ये मान लो अगर आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, तो आप करें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है ना, आप इसको समझ पाओगे इतना, चलिए तो यहाँ से क्या करोगे S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पाओगे कि भाई ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 4 से डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा XD प्लस XT, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन अगर आप कर दोगे इक्वेशन सेकेंड का फर्स्ट से तो आपको जो मिलने वाला है वो है आपका 2xD, ठीक है, यहाँ से एक छोटी सी चीज़ हमें चेंज करनी है, कर लेंगे, क्या करेंगे, देखो S2P माइनस S1P ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा S2P प्लस S1P, ठीक है, इज इक्वल टू 2xD, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पाथ डिफरेंस, दैट मीन S2P माइनस S1P की वैल्यू, तो हमें S2P माइनस S1P की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या कर दिया इसको अपॉन में सेंड कर दिया, तो 2xD अपॉन क्या आ गया आपका S2P प्लस S1P, ध्यान से देखना फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या है, अगर हमने मान लिया कि भाई ये जो आपका P है ना वो यहाँ पर है नियरली, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो PQ आपके इक्वल हैं, नियरली इक्वल हैं, या फिर हम ऐसा बोलें कि भाई ये जो S1P S2P
जो है ना इसके, या फिर हम ऐसा बोलें कि यदि ये जो विड्थ है, ये इस विड्थ को हम बढ़ा दें, तो अगर आपकी S1P और S2P की वैल्यू अगर D के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ध्यान से, S1P एंड S2P यदि D के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं. If equal to approximately, sorry, इसको आप ऐसे लिखें, equal to approximately equal to D, then हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया, S2P minus S1P is equal to 2XD upon, ये कितना हो गया आपका, D plus D, तो कितना लिख सकते हैं इसको, 2D. अब आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आएगा कि जब ये इसके बराबर है तो हमने इसमें क्यों नहीं पुट किया, इसमें क्यों पुट किया. तो आप खुद हो जो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट तो यही करना है ना, पाथ डिफरेंस. ठीक है, अगर हम यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आप खुद हो जो कि फिर सब तो जीरो हो जाएगा, फिर तो कुछ बच रहा है क्या, फिर कुछ नहीं बचेगा, समझ रहे हो. तो इसलिए हमने क्या किया, बोले हमने इसको यहां पर पुट कर दिया, जिसके कारण से हमारे पास ये आ गया. और हमारे पास अगर हम देखें तो S2P माइनस S1P की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, S2P माइनस S1P is equal to XD upon D, और ये upon में कौन सा वाला D है, बोला capital D. तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, बोला path difference कितना नज़र आया आपको, path difference निकल के आ गया हमारा small XD by capital D. ठीक है, ये आपकी एक बहुत ज़रूरी सी बात आ गई, आप इसको लिख देता. ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी, है ना, हमें क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है. ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात, हम आपसे ऐसा बोलें कि क्या करना है अपन को, अब हमें ऐसा करना है कि अगर हमें विड्थ निकालनी है तो पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि विड्थ ऑफ, या फिर हम ऐसा पूछा जाए कि ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, ब्राइट फ्रिंज कब बनती है, ध्यान देना, ब्राइट फ्रिंज जब बनती है, जब हमारी जो भी वेवलेंथ हो, है ना, जो भी वेवलेंथ हो, उस वेवलेंथ का अगर हम लैम्डा बाय टू अगर हम देखें, या फिर हम ऐसा बोलें कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है, क्या हमारा, हमारी जो वेव का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय टू के इवन मल्टीपल यदि होता है, तो हमारी जो वेव बनती है वो ब्राइट फ्रिंज बनती है. कैसी बनती है, हमारी जो फ्रिंज है वो ब्राइट फ्रिंज बनती है. क्या कहा हमने, पहले बात को सुनो कि अगर हमारा ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है S2P माइनस S1P, अगर ये पाथ डिफरेंस इतना आया कि ये लेमडा बाय टू का इवन मल्टीपल है, दैट मीन्स 2n, समझ रहे हो, अगर ये इसका लेमडा बाय टू का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है लेमडा बाय टू का पाथ डिफरेंस की वैल्यू, तो क्या होगा, तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी. क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, समझ रहे हो. तो क्या लिखोगे इसको, S2P माइनस S1P, इसकी वैल्यू कितनी आई, ये जो पाथ डिफरेंस है ये कितना आ गया, XD बाय D इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है. ठीक है ना, तो X की वैल्यू कितनी आ रही है, X की वैल्यू आ गई आपकी n लैम्डा D अपॉन स्मॉल d. बात को समझ पा रहे हो आप, हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, ब्राइट फ्रिंज जब बनेगी जब हमारा जो पाथ डिफरेंस निकल के आया, इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल हो, तब जाकर के बनेगी. इस बात को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डार्क फ्रिंज कब बनेगी, डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज में क्या बोलोगे, यहाँ पर लिख दो फॉर डार्क फ्रिंज. तो डार्क फ्रिंज में क्या रखोगे, डार्क फ्रिंज में लिखना कि डार्क फ्रिंज जब बनेगी, जब हमारा जो पाथ डिफरेंस है ये लेमडा बाय टू का ऑड मल्टीपल आए, क्या है, ऑड मल्टीपल. तो ऑड मल्टीपल दैट मीन्स 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2, तो ऑड मल्टीपल आएगा, तो आप इसको क्या लिखो, लो पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या निकाल दी आपने, बोला XD बाय D. बात क्लियर हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, XD बाय D. इसके बाद क्या करोगे, बोला X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2, ठीक है ना, अपॉन में क्या पहुंच जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा स्मॉल d, और ऊपर क्या पहुंच जाएगा, कैपिटल D, है ना, क्या आ जाएगा, कैपिटल D लेमडा बाय 2. ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपका x हो गई. ठीक है ना, चलिए अब ध्यान देना, ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका इतना आ गया, ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन और ये आपकी डार्क फ्रिंज की कंडीशन. ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, एक आखिरी स्टेप, विड्थ निकालनी है.
अच्छा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो हमने x निकाला है ये x x क्या है, ठीक है ना। तो देखो हमने आपको बताया था कि भाई ये आपका सेंटर है, ये O है, ये P है और यहाँ पर ये क्या है x। तो उसका मतलब है कि सेंट्रल फ्रिंज से लेकर के जो हमारी इस पॉइंट पे जो फ्रिंज बन रही है उसकी डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो सेंट्रल फ्रिंज से लेके अगर आप देखोगे ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस आपको कितनी मिलेगी, एल लैम्डा बाय डी, ठीक है। और डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस अगर आप देखोगे सेंट्रल फ्रिंज से, दैट मीन्स इस ओ से, तो आपको कितनी मिलेगी, 2n-1d, मतलब ये मिलेगी आपको वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है विड्थ, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, एक बार सुन लो, बार बार आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अगर आपको निकालना है विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना, तो क्या करोगे, आपको इतनी बात तो अभी पता पड़ गई, बोला दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में जो फ्रिंज होगी वो कैसी होगी, ब्राइट फ्रिंज। तो जैसे मान लो ये आपकी सेंट्रल फ्रिंज है, सेंट्रल फ्रिंज से एट्थ नंबर की फ्रिंज है, यहाँ पे क्या है, एट्थ नंबर की फ्रिंज, और ये फ्रिंज है डार्क, और यहां से सेवंथ नंबर की फ्रिंज है ये, और ये फ्रिंज कैसी है, ये फ्रिंज है मतलब ये भी फ्रिंज है डार्क, है ना, ये एट्थ डार्क और ये सेवंथ डार्क। तो आप ऐसा करें कि एट्थ डार्क की डिस्टेंस, मेरी बात को एक बार सुन लेना, उसको लिख लेना, समझ में आ जाएगा, एट्थ डार्क की डिस्टेंस माइनस सेवंथ डार्क की डिस्टेंस यदि आप करोगे तो आपको ये जो विड्थ मिलेगी वो ब्राइट फ्रिंज की मिलेगी, समझ गए, कैसे मिलेगी, एट्थ डार्क डिस्टेंस माइनस सेवंथ डार्क डिस्टेंस विल गिव यू द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विल गिव यू द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज एट दैट स्पॉट, ठीक है ना। क्लियर आपको इतनी बात, उस समय पे कितनी होगी, ठीक है, देखो इतनी बात, और ऐसा ही उल्टा उसको कर दो आप डार्क के लिए, समझ रहे हो ना। तो यहां पे हेडिंग बनाओ विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो ये आपकी डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज है, ठीक है, सेंटर से। तो यहां पे देखो x इज इक्वल टू, अगर मुझे 8th निकालनी होगी तो इसकी जगह 8 पुट करूंगा, 7 निकालनी होगी तो इस n की जगह 7 पुट करूंगा, ठीक है। अगर मुझे n निकालनी, बोला nth फ्रिंज, तो n पुट करूंगा, 8th के नीचे क्या आएगा, 7, तो n के नीचे क्या आएगा, n-1, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखो, आप पहले ये हेडिंग बनाने के बाद यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सेंट्रल फ्रिंज, ठीक है। तो आप यहां पे लिखें x nth कितनी है, तो ये फॉर्मूला जो आपने लिख रहे हो 2n-1 और आपका लेमडा डी बाय 2d, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज या फिर डिस्टेंस ऑफ x n-1 डार्क फ्रिंज, जैसे 8th के बाद 7th आएगा, 6th के बाद 5th आएगा, इसी तरह से n के नीचे n-1 फ्रिंज होगी, तो 2, इस n की जगह, ये वाले n की जगह, इस n की जगह आप पुट करेंगे n-1, और ये फॉर्मूले का जो 1 है माइनस का, ये बाहर होगा, और ये इस तरह से लेमडा डी अपॉन 2d। मान लो ये अभी पता नहीं हमारी कितनी इक्वेशन हो गई, तो मान लो ये आपकी कोई भी इक्वेशन हो गई, ये मान लो चलो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन, आप इक्वेशन का नाम बदल देना, बदल दोगे ना, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप माइनस कर दें, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन वन, ठीक है ना, माइनस इक्वेशन वन, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या करोगे कि आपने इसको ऐसे किया xn-1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा करो, xn की वैल्यू कितनी है, 2n-1 लेमडा डी बाय 2d, ठीक है, माइनस साइन लगाया आपने, और इसकी जगह करोगे 2n-3, ये इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2n-3 अपॉन में इनटू में क्या है, लेमडा डी बाय 2d, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप ऐसा करो कि ये अपन को कितना मिल जाएगा, लेमडा डी बाय 2d, ये दो कॉमन आ गया, अंदर का बच रहा है, 2n-1, और ये प्लस का हो जाएगा, जी ये 2n और ये 3 प्लस का हो गया, तो हमें कितना मिल गया, ये 2n से 2n कैंसिल हो गया, प्लस 3-1, तो ये आपका आ गया xn-1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा डी अपॉन 2d इंटू, ये आपका 2 बचेगा, ठीक है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो कि विड्थ ऑफ आपको जो है ना, विड्थ कितनी मिली, आप यहाँ पे कहाँ पे लिख लो, इसी के नीचे अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो आप यहाँ पे लिख लो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितनी मिलेगी आपको, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी लेमडा डी बाय डी, ठीक है। अब एक जादू देखना, देखो
यहाँ पे देखना कि आप ऐसा पाओगे कि हेडिंग बनाओगे कि विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज है ना, तो डार्क के लिए ब्राइट में से माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर पूरा लिख देना है ना, लिख दोगे डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर कितनी होगी, x इज इक्वल टू, यहां पे लिखो x nth, यहां पे आप लाइन बना लो, x nth इज इक्वल टू n की जगह n पुट करोगे लैम्डा d माइनस लैम्डा d अपॉन d, और यहां पे लिखना डिस्टेंस ऑफ n माइनस वन ब्राइट फ्रिंज, तो यहां पे कितनी हो जाएगी n माइनस वन लैम्डा d बाय d, बड़े में तो छोटा माइनस करो, बोला ये 10th है ये 9th है, तो इक्वेशन ये इसको थर्ड बना दो और इसको इक्वेशन फोर्थ बना दो, तो मान लो कि इक्वेशन का नाम आप सही तरीके से दोगे अपने हिसाब से, ठीक है ना, तो आप क्या करो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर फोर, अच्छा और यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ये लिखना है ठीक है ना आपको, ठीक तो यहाँ पे देखो, हाँ जी तो आपको इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ करोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, बोला ऐसे मिलेगा आपको xn ये xn माइनस वन ठीक है, ये आपको मिल जाएगा आपका n लैम्डा d अपॉन d माइनस n माइनस वन लैम्डा d अपॉन d ठीक है ना, तो यहाँ से ये आपकी जो है ना ये लैम्डा d अपॉन d तो कॉमन आ गया और यहाँ से ये n माइनस वन ठीक है, और इसका माइनस का ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आप ये देखोगे कि विड्थ दोनों की, ये विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज भी कितनी आ रही है, बराबर आ रही है, कितनी आ रही है लैम्डा डी बाय डी ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में आती है हमें कि यदि हम सेवन्थ नंबर की जो है ना ब्राइट फ्रिंज को देखोगे उसकी डिस्टेंस भी उतनी होगी, और अगर उतनी ही अगर आप डार्क को देखोगे तो उसकी डिस्टेंस भी उतनी ही आपकी होने वाली है, मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंज की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी ठीक है। डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आप इतना बताओ कि सिंपल था या नहीं था ठीक है, आपके कमेंट का वेट ज़रूर करेंगे, एक बात याद रखना ठीक है ना, ठीक तो बस इतना याद रखना कि हर वीडियो का टारगेट एक ही है कि आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ परेशानी हमारी आपकी दूर हो जाए, तो बस इतना ही चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट और मज़े करो, खुश रहो, थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स।